आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 आप लोग देखते होंगे कि हमेशा चर्चा में बना रहता है, और आप लोग कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, फिर चाहे आपके प्रीलिम्स के हों, स्टेट पीसीएस हो गया या सिविल सर्विस हो गया या फिर कोई वनडे एग्जाम हो गया आपका, या फिर आप देखेंगे मुख्य परीक्षा यानी कि आप जब लिखित परीक्षा होती है उसमें भी आप लोग देखिए इस तरह के इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अभी फिर चर्चा में है, क्यों चर्चा में है इसे भी जान लेते हैं, और अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात कर लेते हैं, ठीक है। केरल मामले किसने बात की है, केरल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, आप सभी जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आपको समानता का अधिकार है जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संविधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 है। एक तरह से आप कहिए कि बिना आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के आपके अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्हें हम लोग संविधान का पिता कहते हैं, इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। आप सोचिए अगर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत आपको अधिकार ना होते, 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन कोई करता है, और आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए ये दोनों अधिकार ना मिले होते तो आपके कोई भी अधिकार कहीं भी छेड़छाड़ करता, कोई भी आपके हनन करता, कहां जा सकते थे आप लोगों को। तो एक तरह से कानूनी आपको प्रावधान मिला हुआ है, समझ रहे। हाल ही में आप देखेंगे कि केरल के एक पत्रकार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा है कि हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए आजकल लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आजकल आप देखिए बहुत हद तक लोग अगर अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते रहते हैं। आज से कुछ समय पहले कोई मुश्किल से एकाध दो केस जाते हो बहुत बड़ी बात होती थी। तो केरल की बात करें तो ये है हमारा प्यारा भारत, इसमें आपको देखने को मिलेगा नीचे आप लक्षद्वीप सागर हो गया, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपके क्या हैं पड़ोसी देश हैं। और केरल की बात करें तो नीचे चलिए केरल आपको देखने को मिलेगा, केरल ए क्या है, ए है केरल, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये वही केरल राज्य है जिसमें आप हर चीज में आगे आपको दिखाई देगा, जब भी कोई आंकड़े आते हो तो उसमें टॉप पर आपको केरल दिखाई देगा। महिलाओं की स्थिति की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, साक्षरता की बात कर लीजिए, लिंग अनुपात की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य मुद्दे में आपने देखा है किस तरह से लड़ा है कोरोना महामारी से केरल ने। ऐसा माना जाता है कि जब बाकी राज्यों में धर्म जाति नाम पर वोट पड़ रहे थे उस समय केरल में आपकी शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दा हुआ करता था, इसी के नाम पर वोट पड़ते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी जो धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम जो पार्टी करती है वहां उनका नाम भी नहीं रहता है एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग, और बेहतर काम भी करते हैं वो। आप लोग कभी उनके बारे में, आपके पास मोबाइल है आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ अगर विधानसभा की बात करें हम लोग तो 140 सीटें हैं, एक सदनीय विधानसभा है यहाँ, और राज्यसभा की बात करें 9 सीटें हैं, लोकसभा की बात करें तो 20 सीटें हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है चर्चा में रहता है तो, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिकाओं की भरमार है, और लोग अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में संबंधित उच्च न्यायालय के पास जाने के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय की समक्ष याचिका दायर कर रहे हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि आपके अगर कोई अधिकारों का हनन करता है, जो भी ये अधिकार आपको मौलिक दिए गए हैं, तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल आप देखेंगे 226 का सहारा लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यही एक तरह से यही कहा जाता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां आपकी सुनवाई नहीं होती तो तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना
अपने आप में एक तरह से ठीक है, आप जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बोझ पड़ा हुआ है, आप जान रहे हैं कि कितनी एक तरह से हमारे यहाँ जो भी कमी है, न्यायाधीशों की कमी है, और केसों की किस तरह से भरमार है, कितने केस निपट रहे हैं, हजारों लाखों केस पड़े हुए हैं आप पेंडिंग में, ठीक है। अनुच्छेद 32 द्वारा संविधानिक उपचार का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर अनुच्छेद 32 के तहत आपको संविधानिक उपचारों का अधिकार ना मिला होता तो क्या मतलब था बाकी अधिकारों का? कोई मतलब नहीं था। नीति निर्देशक तत्वों का क्या मतलब है? अगर राज्य की इच्छा पर एक तरह से निर्भर करता है, वो आपको सहूलियत देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे उसके तहत आप, ऐसा नहीं है कि कहीं जाए न्यायालय चले जाए अगर सुविधाएं नहीं दे रहा है आपको, तो समझ रहे हो? इसका मतलब सीधा सब ऐसा ही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी सामने वाले पर भरोसा कर रहे हैं, वो करे या ना करे, वो क्या करता है आपके भरोसे का एक थोड़ी कुछ कहा जा सकता है। अगर ये कोई कानूनी लिमिट रख दी जाए कि अगर वो आपके भरोसे को तोड़ता है तो आप कहीं जा सकते हैं, उसके खिलाफ एक तरह से याचिका दायर कर सकते हैं, उसे सजा दिला सकते हैं, तो एक तरह से यही आपका अधिकार। हम कह सकते हैं कि संविधानिक उपचार का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है, यानी कि बाकी अधिकारों की ये रक्षा करता है एक तरह से। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा है कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो याद रखिए, ये थे आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब। और एक पॉइंट यहाँ और याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि आपका उद्देशिका को किसने कहा था संविधान की आत्मा, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है। इन्होंने आपके जो उद्देशिका है इसे प्रस्तावना में, प्रस्तावना को संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या फिर रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में अगर हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी को अगर हिरासत में रखा गया है तो उसे किसी, आप कहिए, प्रस्तुत करने से संबंधित रिट है, यानी कि उसे किसी निकट जो भी न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर करना होता है जिसे भी आपने, एक तरह से पुलिस ने हिरासत में लिया है जिसे, अगर उस पर अपराध सिद्ध होता है तभी उसकी हिरासत बढ़ाई जा सकती है, वरना उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे एक होता है आपका परमादेश, ठीक है। इसमें परम आदेश में क्या देखने को मिलेगा आपको, यह रिट सरकारी, सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, और वहां भी आप देखेंगे जब सरकारी अधिकारी ना अपने कानूनी कर्तव्य का पालन किया हो और ना ही इसके चलते दूसरे के अधिकारों का हनन हो, कोर्ट संबंधित व्यक्ति से इसमें पूछताछ भी कर सकता है। और आप देखते होंगे कि अगर कहीं आप जाते हैं बैंक में, वहां आपके एक तरह से काम नहीं किया जाता है, उस समय की बात कर रहा हूं। और आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे प्रतिषेध, प्रतिषेध इसमें यह केवल कोर्ट से संबंधित लोगों के खिलाफ ही जारी की जाती है। जब आप देखेंगे किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की बात सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपका इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और उत्प्रेषण की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे यह भी प्रतिषेध के समान ही जैसा है, ठीक है। और अधिकार अपेक्षा की अगर बात करें हम लोग, तो यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि किसी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उस पद पर बने रहने की योग्य है भी या नहीं भी। ऐसा तो नहीं है कि वो, आप सोचिए, उसे कक्षा 10वीं की मैथ आती नहीं है और उसे कहीं आपकी 12th की मैथ पढ़ाने के लिए टीचर रख दिया जाए, तो उस मामले में इस तरह की रिट जारी की जा सकती है। संविधानिक प्रावधानों के मुताबिक बात करें अगर हम लोग, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्थिति में इस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं?
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के विवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार तो है, किंतु यह न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार इस अर्थ में है, इसके तहत एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों के विवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसके? आर्टिकल 226 के। इसको याद जरूर रख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं और फैक्ट दे देता है आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत प्रदान की जा सकती है, वहां पीड़ित पक्ष को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के समक्ष ही जाना चाहिए। एक तरह से आप कहिए कि जब आपका आप परिवार में है, आपकी और आपकी किसी भाई बहन की लड़ाई हो रही है, तो पहले क्या रहता है कि आप माँ के पास जाइए, वो निपटाएंगे एक तरह से। और पिताजी कब आते हैं काम? लास्ट में। उनका एक तरह से वो आप निपटारा कब करते हैं? लास्ट में खबर पहुंचती है पिताजी के पास। तो उसी तरह से कहिए एक बार कि आप डायरेक्ट पिताजी के पास ना जाके पहले माँ जी से निपटिए। वर्ष 1997 में चंद कुमार बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि रिट जारी करने को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। इस व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग विरुद्ध तर्क की बात करें, तो अतीत में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर दिया था। और इसका सबसे ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिलेगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र सेंट्रल सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट हेतु भूमि उपयोग से जुड़े एक मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्वयं को स्थानांतरित कर दिया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह के हस्तांतरण की मांग नहीं की थी। जब मामलों का इस तरह का तरह हस्तांतरण किया जाता है, तो देखने को मिलेगा कि याचिकाकर्ता अपील का अपना एक माध्यम खो देता है, जो मामले को स्थानांतरण न किए जाने की स्थिति में उपलब्ध होता है। अगर हम सर्वोच्च संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 226 की बात करें, तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के परिवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक भी है। जहां एक ओर सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट जारी कर सकता है, तो वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसमें एक और बात कहूंगा मैं, सभी आप अपने मौलिक अधिकारों को रट लीजिए एक तरह से मैं तो कहता हूँ, और आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए एक ना ही क्वेश्चन आता रहा है, आप लोग बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो इसलिए ही तो बोल रहा हूँ कि कम से कम आप 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ किसी एमपी पुलिस, अगर यूपी पुलिस, किसी भी पुलिस की कॉन्स्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम पुराने पेपर आप लोग उठा लीजिए। बाकी सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस में तो आप जानते हैं कि क्वेश्चंस पेपर आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस भी आपके सामने होना चाहिए, और हमेशा देखते रहिए उनकी शक्ल कि कैसे किस प्रकृति के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका क्या नजरिया है, किस तरह कुछ टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए समय रहते हुए, और एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी की सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, जो जो आपके लिए पढ़ने के लिए जरूरी है सिर्फ। ठीक है, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की। चलिए मिलते हैं आगे हम लोग।